नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया अ बॉक्स वेट्स 196 न्यूटन ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट द नॉर्थ पोल. इट्स वेट रिकॉर्डेड ऑन द सेम बैलेंस इफ इट इज शिफ्टेड टू द इक्वेटर इज क्लोज टू. दिया गया जी का वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एट नॉर्थ पोल एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर. अगर अर्थ को हम लोग स्फीयर मानते हैं तो एम जी का जो वैल्यू है वो उतना ही होना चाहिए. लेकिन क्या होता है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहता है ना. ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है. तो रोटेशन की वजह से भी जो है किसी भी बैलेंस से हम लोग रीडिंग लेंगे तो रीडिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, चाहे स्प्रिंग बैलेंस हो या वेइंग मशीन हो. एक्चुअल वेट नहीं बताता, थोड़ा सा डिफरेंट आता है वेट. तो वो कितना डिफरेंट आता है हम लोग जानते हैं. अगर अर्थ रोटेट करता है, सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है और इसकी वजह से इस पर एक इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है. इधर तो लगता है नॉर्मल, इधर लगता है एम जी, और इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है एम ओमेगा स्क्वायर. अगर हम लोग इसको ले लेते हैं यहाँ पर अल्फा, ये भी अल्फा हो जाएगा है ना. तो एम ओमेगा स्क्वायर ये रेडियस होता है आर है ना, और ये अगर अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर तो स्मॉल आर को लिखा जा सकता है. ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा. स्मॉल आर को लिख सकते हैं कैपिटल आर कॉस अल्फा, और जैसे यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कॉस अल्फा. इस फोर्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट नॉर्मल के पैरेलल निकालेंगे तो आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, इस ये जो टर्म है इसका कॉस अल्फा उधर आएगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा. ये कॉस अल्फा तो पहले से था है ना. तो चूंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो कि ऑब्जेक्ट के साथ में घूम रहा है ना. तो ये इक्विलिब्रियम में क्या आता है, एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एम जी. एन जो है इसी को हम लोग अपरेंट वेट कहते हैं, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर अल्फा. अगर हम पोल की बात करें तो पोल पर अल्फा 90 हो जाएगा तो ये टर्म हो जाएगा जीरो है ना. एट पोल एन इज इक्वल टू एम जी. ये क्वेश्चन में 196 न्यूटन दिया गया है, जबकि हम बात करेंगे इक्वेटर पर. एट इक्वेटर अल्फा का वैल्यू जीरो रखना पड़ेगा तो इक्वेटर पर आएगा एन डैश एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर है ना. तो एम जी जो है वो 196 था माइनस एम, एम जो है ये हो जाएगा 19.6. इसमें 10 से जी के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो मास आएगा 19.6. ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई डिवाइडेड बाई अर्थ के रोटेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 आवर. उसको सेकेंड में बदलेंगे 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ओमेगा का स्क्वायर है, स्क्वायर रखेंगे. रेडियस ऑफ अर्थ क्वेश्चन में दिया गया 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे 10^3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक. तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 195.32 इतना आएगा है ना. तो ऑप्शंस में अगर चेक करें तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है इसका.